मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कान्हा स्टेडियम में आज दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम और डिप्टी सीएम सहित योगी कैबिनेट में 53 दिग्गज है। उत्तर प्रदेश की सियासत के कई मिथक तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ली है। गुरज पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास बदल दिया है। यूपी में 35 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, जबकि केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा 16 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। निवर्तमान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सिद्धनाथ सिंह, मुकुट बिहारी वर्मा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। इस बार मोहसिन रजा की छुट्टी की गई है, उनकी जगह दानिश आजाद योगी मंत्रिमंडल का मुस्लिम चेहरा बनाए गए हैं। बलिया जिले की बासडीह विधानसभा स्थित अपायल गांव के रहने वाले दानिश आजाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं। आजाद यूपी सरकार की उर्दू भाषा कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े दानिश आजाद अंसारी छात्र जीवन में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़ गए थे। योगी आदित्यनाथ साल 1998 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी BJP के टिकट पर पहली बार सांसद निर्वाचित हुए। उस समय योगी आदित्यनाथ सबसे कम उम्र के सांसद थे। इसके बाद वे 1990, 2004, 2009, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी गोरखपुर संसदीय सीट से सांसद निर्वाचित होते रहे। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत बने। यूपी विधानसभा के 2017 के चुनाव में BJP को पूर्ण बहुमत मिला, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। सीएम योगी आदित्यनाथ की शपथ लेते ही गोरखपुर में दिन में ही आतिशबाजी शुरू हो गई, पटाखे चलने लगे। गोरखनाथ मंदिर के बाहर लगे DJ पर लोग योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर फूले नहीं समा रहे थे। उनके शहर के संरक्षक योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ली है। इसी बीच गोरखनाथ मंदिर पर योगी आदित्यनाथ समर्थक और BJP के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंच गए और बुलडोजर पर ही थिरकने लगे। वहीं गोरखनाथ मंदिर के अंदर भजन कीर्तन किया जा रहा है, लोगों के बीच मिठाई बांटी जा रही है। गोरखनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में मौजूद लोग जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।